पुलिस प्रदर्शन करने की इजाजत तो नहीं ही दे रही है। जिस तिरंगे टुकड़े के साथ लोग आए थे प्रदर्शन करने, उसको भी पुलिस देखिए कितना सम्मान है इन तीन रंगों के लिए। प्रदर्शनकारियों को तो पकड़ा ही पकड़ा ही, पकड़े को खींचा जा रहा है और तिरंगे के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जबकि यहाँ पर सर आप आगे नहीं जा सकते, क्यों आदेश है? आदेश पर आदेश है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है, उसका मालूम नहीं सर आप आगे ऐसे कोई आदेश नहीं दे सकता। 144 लगा है, क्या बात है बताइए। ये लोग कैसे जा रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोका आप? ये आम पब्लिक है सर, तो हम भी आम पब्लिक। आप इकट्ठे हो रहे हैं सर, इकट्ठे का क्या मतलब है? इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं? तिरंगा उठाओ, तिरंगा उठा ले, कोई मना नहीं। 144 नहीं लगी हुई है, आप नहीं जा सकते। अरे भाई आप आदेश दिखाइए, कोई आदेश है बताइए, ऐसे नहीं कर सकते। आपको तो आदेश अफसर बताएंगे। आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करिए इन लोगों का, आप अपना नाम बैच दिखाइए, अपना दिखाइए दिखाइए दिखाइए। मुझे कैसे पता लगे आप किसी फोर्स से हैं? आप अपना दिखाइए। कोई भी ऐसा आजकल तो ऐसे कपड़े पहन के बहुत लोग घूमते रहते हैं, तो बताइए आप अपना बैच बताइए। हम तो आपको दिखा देंगे वीडियो, इस तरह के कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं। आप मनोज कांस्टेबल कहाँ से हैं, किस थाने से? हम यहीं से हैं सर, कौन से थाने? आपको आदेश दिखाइए, किस आदेश के आधार पे आप हमको रोक कैसे सकते हैं? हम सड़क पर चल रहे हैं, वहाँ तक जा रहे हैं हम। आज दिल्ली के 30 जनवरी है, आज गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम केवल हाथ पकड़ के खड़े होंगे, हम कोई जनगण मन गाएंगे, ना कोई हमारे पास लाउड स्पीकर है, ना हमें कोई सभा करनी, ना स्पीच देनी, तिरंगा थामना है, जनगण मन गाना है, वो हम करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे खड़े होके करेंगे, हम कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप हमें बताइए, कारण बताइए। ऐसे नहीं रोक सकते आप, ऐसे नहीं रोक सकते। तो यार वो पहले से आया सर, कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब कितने लोग भी जा सकते हैं? कोई धारा 144 नहीं लगी है यहाँ पर, तो नहीं लगी ना, बस फिर आप हमें जाने दीजिए, किसी को रोक नहीं रहे, हम ना ट्रैफिक रोक रहे हैं, 144 नहीं लगी ना, बस तो फिर हम जा रहे हैं, फिर काहे को रोक रहे हैं? दिल्ली गेट तो आगे सर, ठीक है आप इनका वीडियो लीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में देखें। मुझको आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम प्रशांत भूषण है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह। आप हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे 144 नहीं लगी हुई, कानून नहीं लगी हुई है ना, आपको भी कानून के, आप हमें किस आधार पर रोक रहे हैं? आप अगर आपके अफसर आए वहाँ पे हमें रोक रहे हैं, जहाँ रोकना है आएंगे सर, आज जहाँ मर्जी आए हम जाएंगे। चलिए ना, चलिए हम चल रहे हैं, आप किस आधार पर रोक रहे हैं? हम कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, ना हम सड़क को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। हेलो, कहाँ तक जाओगे सर? वहाँ तक जाओगे? आप देखिए, यही वो दिल्ली है जहाँ सुबह एक आदमी पिस्तौल लेके घूमता है, पुलिस देखती रहती है, कुछ नहीं कहती, और जो लोग कहते हैं कि हम गांधी को याद करने के लिए तिरंगा लेके आए हैं, जनगण मन गाएंगे, उनको चारों तरफ से पुलिस घेर के रखती है। ये सच्चाई है आज के दिल्ली की। हाँ, वहाँ जाके बस यहीं तक जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। आप बस यहीं तक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। आप साइड में हट जाइए प्लीज। एक मिनट 5:17 होने वाले हैं, हम यहाँ रुक के जनगण मन करेंगे प्लीज। चेहरे पे
बस यही रुक जाइए आप लोग, सभी साथी यहाँ आके बस यहीं रुक जाइए, कॉर्नर पे हो जाइए, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सामने आ जाइए, एक मिनट प्लीज हट जाइए, हम ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सामने इधर यहाँ पे लाइन बना के जनगण मन करेंगे, 5-17 होने वाले हैं, सब लोग इधर आ जाइए या यहीं पे कर लें, थोड़ा सा पीछे हो जाए, प्लीज थोड़ा सा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा सीधे, सब लोग सीधे हो जाइए, इधर आ जाओ, यहीं पे सीधा यहीं पे कर लें, साथियों 5-17 पे गांधी जी का की हत्या हुई थी, तो एग्जैक्टली इसी समय हम सब लोग मिलके गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए जनगण मन करेंगे, मैं 5 गिनूंगा उसके बाद हम सब शुरू होंगे, 5-4 थोड़ा पीछे होंगे, 3 थोड़ा पीछे होंगे, पीछे भाई थोड़ा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंगा, तब शुभ नामे जागे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, गांधी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, गांधी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, गांधी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गांधी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्यों ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मनोज मनोज देते हैं सर, दूसरे में भारत बनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और इस वजह से मानव श्रृंखला का हम लोग ने ऐलान किया था, जिन जो लोग पिस्तौल चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, उन लोगों को आसानी से चलाने देती है, जो लोग जेएनयू में जाकर नकाबपोश पहनकर मारते हैं उन लोगों को पूरा सहारा देती है, और जो लोग बिल्कुल पीसफुली यहाँ पर खड़े होकर जनगण मन गाने परमिशन जो है वो नहीं दी गई, मानव श्रृंखला परमिशन नहीं होती इसकी, इस पर कोई कानून में कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, धारा 144 नहीं लगी है, लो ना कैसे फिल्म आएगा, हम कर रहे हैं जबरदस्ती ले जा रहे हैं, बहुत पीछे आ रही है, वो जो पिस्तौल लेके घूम रहा है कितने मजे से घूम रहा है, और जो संविधान लेके घूम रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है आपने देखिए, और हिरासत में लिया गया है प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को, जेएनयू डीयू के कई सारे प्रोफेसर
कई छात्र यहाँ पहुँचे प्रदर्शन करने के लिए, और ये हशर देखिए जिस तिरंगे झंडे के साथ प्रदर्शन करने आए थे उसका हशर देखिए इस देश में, कि पुलिस प्रदर्शन करने की इजाजत तो नहीं ही दे रही है। जिस तिरंगे टुकड़े के साथ लोग आए थे प्रदर्शन करने उसको भी पुलिस देखिए कितना सम्मान है इन तीन रंगों के लिए। प्रदर्शनकारियों को तो पकड़ाई पकड़े को खींचा जा रहा है, और तिरंगे के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जबकि यहाँ पर भाई मेरे प्रदर्शन करने भाई साहब सीट ले भाई सीट ले। सीट ले।